वक्त किया है। राहुल गांधी का कहना है कि ये लोकतंत्र पर हमला है। इस वक्त की बड़ी खबर है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी पर प्रियंका गांधी वाड्रा पे राहुल गांधी, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना तानाशाह से की है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर राहुल गांधी का बड़ा ट्वीट, ये इस वक्त अगर आप देखेंगे ये इनका ट्वीट आया है और ये राहुल गांधी का ट्वीट आप देख रहे हैं। तो राहुल गांधी ने इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया है और राहुल गांधी ने फिर असुरी शक्ति का जिक्र किया है। तो ये बड़ा डेवलपमेंट है इस वक्त जो आप अमित सिंह के पर सबसे बड़ी खबर इस तस्वीर में वापस से बैरिकेड को बंद कर दिया गया है। मतलब क्लियरली कि एक ऑफिशियल्स की टीम गई है, अभी भी पूछताछ के बाद में कुछ समय हो सकता है, उस समय के बाद में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अरविंद केजरीवाल को लेके जाए, इस अरविंद केजरीवाल को ले जा सके। तो अगर आप देखेंगे कि ये पूरी की पूरी जो टाइमलाइन है वो क्या रहा है, अगर मैं आपको दिखाना चाहूं कि पूरा का पूरा जो ये 2021 से ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची करीबन 7:15 पे, उसके बाद सीएम हाउस के बाद सुरक्षा बल तैनात हुए, ये बड़ा डेवलपमेंट है। फिर 8:15 पे केजरीवाल का फोन ईडी ने जब्त किया, इसके बाद में 8:45 पे सीएम हाउस के बाहर धारा 144 लागू हुई, इसके बाद में 2 घंटे पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल को लगभग 9:25 पे गिरफ्तार किया गया। इसके बाद में अगर हम जाएं तो अभी तक गिरफ्तारी हुई है और अभी हम किसी भी समय अरविंद केजरीवाल को ईडी की टीम लेके निकल सकती है। मेरे साथ मेरे पास इस वक्त सबसे बड़ी रिपोर्टिंग टीम है, पर अरविंद केजरीवाल के विकल्प क्या है, मैं ये विकल्प आपको दिखाना चाहता हूं। अगर आप देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल के पास विकल्प क्या है, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने का ट्राई कर सकते हैं, जेल से ही सरकार चला सकते हैं।